हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लीन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्रतीक शिवालिक सर की जो KVS PRT टेस्ट सीरीज है उसके सेट आई के साइंस पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके KVS PRT एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और कंप्यूटर के कंटेंट के लिए भी सीरीज चल रही है, तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि वे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट सीरीज हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? ऑप्शन वन बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ऑप्शन टू वायरस मतलब विषाणु, ऑप्शन थ्री अमीबा, ऑप्शन फोर फंगस मतलब फफूंदी। तो इस प्रश्न में ही हमसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा जीव है जो केवल परपोषी कोशिका मतलब होस्ट सेल के भीतर ही जनन करता है। तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और जो फंगस होता है, इन्हें किसी होस्ट बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन करके ही पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि जो वायरस होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विच इज इन एन इनएक्टिव फॉर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट, जो कि होस्ट बॉडी के बाहर निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इट कैन परफॉर्म इट्स लाइफ प्रोसेसेस एंड रिप्रोडक्शन ओनली व्हेन इट इज इनसाइड अ होस्ट सेल। यह केवल जो अपनी जीवन प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस की जो क्रियाएं हैं और प्रजनन है, यह तभी कर सकता है जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर होता है। आउटसाइड द होस्ट वायरस एक्ट्स एट नॉन लिविंग। तो जब भी वायरस है जो होस्ट बॉडी के बाहर होगा तो वो एक नॉन लिविंग की तरह होगा, मतलब इनएक्टिव होगा। इट रिप्रोड्यूसेस और रेप्लिकेट्स ओनली व्हेन इट एंटर्स अ होस्ट एंड रीचेस इट्स सेल्स। तो यह केवल तभी प्रजनन करेगा जब वो होस्ट सेल के अंदर हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिकोट इज मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। द नेम ऑफ द फाइबर्स आर। टेरिकोट दो प्रकार के रेशों को मिश्रित करके बनाया जाता है, इन रेशों के नाम बताने हैं। ऑप्शन वन टेरिलीन एंड कॉटन, ऑप्शन टू टेरिलीन एंड पॉलिएस्टर, ऑप्शन थ्री टेरिलीन एंड जूट एंड ऑप्शन फोर्थ है टेरिलीन एंड रेयॉन। तो जो टेरिकोट होता है वो टेरिलीन और कॉटन से मिलकर बनाया जाता है। टेरिलीन सिंथेटिक फाइबर होता है और जो कॉटन होता है वो नेचुरल प्लांट फाइबर होता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन टेरिलीन एंड कॉटन, इससे मिलकर बनता है टेरिकोट। यहाँ पे हम साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें हमारे पर्यावरण से नेचुरली मिलते हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कॉटन, फ्लैक्स, हैम्प, बैम्बू, जूट, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। इसके अलावा एनिमल से हमें वुल, सिल्क, अंगोरा, मोहरा मिलता है। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ह्यूमंस के द्वारा केमिकली प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, टेरिलीन एटसेट्रा। इनके बारे में हम डिटेल में पहले भी और वीडियोस में कई बार पढ़ चुके हैं, तो यदि अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है क्वेश्चन सीरीज की तो आप उन्हें भी जरूर देखें। यहाँ पे अभी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है? ऑप्शन वन फास्फोरस, ऑप्शन टू नाइट्रोजन, ऑप्शन थ्री सल्फर, ऑप्शन फोर हाइड्रोजन। तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सी अधातु है जो वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। तो जो फास्फोरस होता है वो वायु की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल एंड कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जो फॉस्फोरस है वो एक नॉन मेटल है और जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो यह आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे अक्सर पानी में रखा जाता है। सो टू प्रिवेंट इट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन एयर इट इज ऑफन कैप्ट इन वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड रिलीजेज हाई एनर्जी दैट इट प्रोड्यूसेज ए येल्लो फ्लेम विद व्हाइट स्मोक।
तो जो ट्रोपोस्फेरस की एयर के साथ रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है जो कि सफेद धुएं के साथ, व्हाइट स्मोक के साथ पीली रंग की लौ उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? ऑप्शन वन पैराफिन वैक्स, ऑप्शन टू लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑप्शन थ्री पेट्रोल, ऑप्शन फोर कोक। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि पेट्रोलियम के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन होते हैं। और इनको जो अलग करने के लिए प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका यूज फ्यूल के रूप में हम घरों में करते हैं, जो कि हमारे घर में सिलेंडर आते हैं। जो पेट्रोल है इसका यूज ईंधन के रूप में हम मोटर व्हीकल्स में करते हैं, और सॉल्वेंट के रूप में इसे हम ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं। कैरोसिन है, इसे फ्यूल के रूप में हम स्टोव में, लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं। डीजल को हम फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिक जनरेटर में और हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, इसे हम मशीन में लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज कैंडल्स है, वेस्लिन है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। बिटुमिन यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट्स और फॉर रोड सर्फेसिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पेट्रोल है। ये तीनों तो पेट्रोलियम के अवयव है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कोक है, ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक है वो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसे एयर की अनुपस्थिति में कोल को गर्म करके बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज फ्यूल बिकॉज। गांवों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि। ऑप्शन वन इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। ऑप्शन टू ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण। ऑप्शन थ्री इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यह पर्यावरण के अनुकूल है। ऑप्शन फोर्थ इट कैचेस फायर इजीली, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। तो गांवों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी लागत भी कम होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। शी फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। दुर्घटनावश पहेली का हाथ लो पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ, इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई? ऑप्शन वन ब्लड सेल्स, रुधिर कोशिकाओं में। ऑप्शन टू स्किन सरफेस, त्वचा कोशिकाओं में। ऑप्शन थ्री नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। एंड ऑप्शन फोर्थ है न्यूक्लियस ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के केंद्रक में। तो इस प्रश्न में ये हमसे कह रहा है कि पहेली नाम की कोई लड़की है जिसका हाथ लो पर छू गया है, तो उसने अपने हाथ को तुरंत वहां से हटा लिया, ये कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया के कारण हुआ? तो ये जो है वो तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स में अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। अब ये ऐसा किस तरीके से हुआ, अब हम उसे समझ लेते हैं। व्हेन पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम, द नर्व एंडिंग्स इन द हैंड अपॉन रिसीविंग द हीट स्टिमुलस सेंड्स इट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एक्सॉन्स इन अ न्यूरल पाथवे। इसका मतलब है कि जब पहेली का हाथ गलती से लो पर छू गया है, तो जो ऊष्मा की उत्तेजना है वो हाथ के में जो नर्व सेल्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा इस उत्तेजना को ग्रहण किया गया और इसे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन्स के माध्यम से भेज दिया गया। द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड रीड दिस स्टिमुलस एंड रिकॉग्नाइजेस एज अ पेन स्टिमुलस एंड पासेस द रिएक्शन टू द हैंड। और मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है, उसने इस उत्तेजना को पढ़ा और इसे दर्द के रूप में पहचाना और इसके अगेंस्ट क्या प्रतिक्रिया करनी है उसके संकेत हैंड तक भेजे। पहेली फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय द नर्व सेल्स। पुलिंग आउट द हैंड इमीडिएटली इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहेली को गर्मी की अनुभूति हुई और नर्व सेल्स मतलब तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्तेजना के जवाब के कारण तुरंत अपने हाथ को जो उसने बाहर निकाला, ये उसके अगेंस्ट उसका रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिक्रिया थी। इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थ्री, तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज, मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम होता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स में मतलब मानवों में रिप्रोडक्शन यानी जनन का सही क्रम दर्शाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जायगोट एंड देन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है गैमेट फॉर्मेशन। दीज आर सेल्स यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन। द मेल गैमेट इज स्पर्म व्हाइल द फीमेल गैमेट इज द एग। तो जो मेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं एग। देन है फर्टिलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड अ जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम जायगोट बोलते हैं। तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जायगोट बनता है। और जो जायगोट होता है इट कंटेन्स द नेसेसरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ न्यू ह्यूमन बींग। तो जायगोट में ये जरूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो। दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। तो जो एम्ब्रियो होता है ये किसी भी नए जीव के विकास के लिए अर्ली स्टेज होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑफन स्टिक टू द स्किन, विच टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना। शुष्क मौसम में संश्लिष्ट तंतु से बने कपड़े प्राय त्वचा से चिपकते हैं, इस परिघटना के लिए किस प्रकार का बल उत्तरदायी है। ऑप्शन वन फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। ऑप्शन टू मस्कुलर फोर्स, मांसपेशीय बल। ऑप्शन थ्री मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। एंड ऑप्शन फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम इन चारों फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि हम इसमें से किस फोर्स के कारण जो शुष्क मौसम होता है उसमें सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े हमारी त्वचा से चिपकते हैं। तो सबसे पहले है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। व्हेन टू सरफेस हैव इररेगुलरिटीज दैट कम इन कॉन्टेक्ट डू दे गेट इंटरलॉक्ड प्रिवेंटिंग देम स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब जब दो सतहें जिनमें इररेगुलरिटीज होती है यानी अनियमितताएं होती है ये एक दूसरे के संपर्क में आती है तो फिसलने से रोकने के लिए ये आपस में इंटरलॉक हो जाती है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। इसका मतलब है कि जो घर्षण बल होता है ये हमेशा उस दिशा के विपरीत होता है जिस दिशा में वस्तु या तो मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है। द रफर द सरफेस द मोर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो जो सरफेस है वो जितनी ज्यादा रफ होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज्यादा घर्षण बल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मांसपेशीय बल। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ मसल्स। तो जो हमारे मांसपेशियों के यूज के कारण हमारी मसल्स के यूज से जो भी फोर्स पैदा होता है उसे हम बोलते हैं मांसपेशीय बल। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, किकिंग अ बॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। आर द फोर्सेज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। चुंबकीय फोर्स वो होता है जो चुंबक के कारण लगता है या उत्पन्न होता है। इट इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ मैग्नेटिक पोल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स होता है ये आकर्षण बल भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब फोर्स और कूलम्ब इंट्रैक्शन। तो इसे हम कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं और कूलम्ब इंट्रैक्शन भी कहते हैं। इट्स द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये भी आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। और ये दो आवेशित ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच में लगता है। यदि सेम चार्ज होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और यदि असमान चार्ज होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अब जो शुष्क मौसम होता है तो उसमें कपड़ा जो होता है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ वो त्वचा से चिपकता है। तो ये घर्षण बल के कारण नहीं हो सकता, इसमें मांसपेशीय बल भी नहीं होता तो इसके कारण भी नहीं हो सकता और चुंबक के कारण भी ये नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑफन स्टिक टू द स्किन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज दे एक्वायर ए चार्ज ड्यू टू रबिंग अगेंस्ट द स्किन।
क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा होता है, जब वो हमारी स्किन से या स्किन के अगेंस्ट रब करता है यानी रगड़ता है, तो वो चार्ज हो जाता है। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही वो कपड़ा हमारे शरीर से या त्वचा से चिपकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज। विद्युत दर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु, ऑप्शन वन चार्ज आवेशित है, ऑप्शन टू मैग्नेटिक चुंबकीय है, ऑप्शन थ्री फ्री ऑफ क्रैक्स दरार से मुक्त है, ऑप्शन फोर्थ हॉट यानी गर्म है। तो इस प्रश्न में ये हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युत दर्शी वाला उपकरण है उसका उपयोग क्या है। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें यहाँ पे एक धात्विक डिस्क लगी होती है, और जो ये बीच में छड़ होती है ये एक धातु की छड़ होती है, और जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है इसे हम कार्क कहते हैं, और ये जो भारी आवरण है ये कांच की बोतल का होता है, और इसमें अंदर स्वर्ण पत्र यानी मेटेलिक स्ट्रिप होती है गोल्ड की, और इसके अलावा यहाँ पे एक भू संपर्क बिंदु होता है। तो अब हमें कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, मतलब उस पे कोई चार्ज है या नहीं है, उसका पता हम इस डिवाइस से लगा सकते हैं। तो हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को या जिस भी वस्तु को ये पता लगाना है कि वो चार्ज है या नहीं, उसको हम इस धात्विक डिस्क से टच कराते हैं। तो उसके बाद जो ये यहाँ पे स्वर्ण पत्र है, मेटेलिक स्ट्रिप होती है, तो इसमें जो परिवर्तन आता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि वो आवेशित है या नहीं है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आ बॉडी। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका यूज क्या हो गया, ये पता लगाने के लिए कोई वस्तु आवेशित है यानी चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड टू मेटेलिक स्ट्रिप्स, व्हेन बोथ द स्ट्रिप्स आर चार्ज्ड विद सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड बिकम्स वाइड ओपन। और यदि जो यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रिप है इन दोनों पर सेम चार्ज आ जाता है, दोनों स्ट्रिप्स पर, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज देयर इन अवर आईज। हमारे नेत्रों के लेंस की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन वन कॉनकेव लेंस अवतल लेंस, ऑप्शन टू कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, ऑप्शन थ्री प्लेन लेंस समतल लेंस, एंड ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक हमारी जो आई है उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसमें अलग अलग पार्ट्स के नेमिंग बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन सब पार्ट्स के नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दी जाती है और यहाँ पे साइन बनाते हुए पूछ लिया जाता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, आंख के इस पार्ट का क्या नाम है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी याद करना है। अभी हमसे इस प्रश्न में जो हमारे नेत्र में लेंस होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी प्रकृति पूछिए कैसी होती है। तो यहाँ पे जो हमारे नेत्र में लेंस होता है ये एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो बदलती रहती है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस दैट वी आर ट्राइंग टू सी। तो जो इस लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हम जिस वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी दूरी के अनुसार मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अभी हमसे यहाँ पे सिर्फ प्रकृति पूछी है, तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे चार कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें से हमें ये बताना है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जिससे हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। फर्स्ट है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। सेकंड है, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर। थर्ड है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। एंड फोर्थ है, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र से अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल सर्टेनली क्लोजर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डिक्रीज।
तो जब भी हम बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, जिससे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा पहले वाली परिस्थिति तो गलत हो गई, इसमें हाइड्रोजन गैस के अणु के मध्य दूरी नहीं बढ़ेगी। सेकेंड है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव हो जाने पर हाइड्रोजन गैस लीकिंग फ्रॉम द कंटेनर लीव्स वैकेंट स्पेसेस इनसाइड द कंटेनर। सो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी इंक्रीज्ड। तो इसमें कह रहा है कि जब भी हाइड्रोजन गैस के जो कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तो अंदर कंटेनर में कुछ वैकेंट स्पेस बन जाएंगी, जिससे जो बचे हुए हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं उन स्पेसेस पे चले जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस मोर स्पेस विल बी अवेलेबल इनसाइड द कंटेनर एंड हेंस डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड। तो यदि हमने जो हमारे पास बंद पात्र वाला कंटेनर था उसका वॉल्यूम ही इंक्रीज कर दिया, तो भी हमारे पास स्पेसेस ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो स्पेसेस हमारे पास बड़ा है उसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जाएंगे, तो जिससे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो सेकेंड स्थिति में भी हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ रही है, थर्ड में भी बढ़ रही है। फोर्थ में कहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर मोर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन लेस वॉल्यूम सो द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी डिक्रीज। तो यदि आपने पात्र का आयतन नहीं बढ़ाया है, आपके पास उतना ही वॉल्यूम है और उसमें आपने और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, तो जो आपके पास उनके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे और उसका वॉल्यूम कम होगा तो वो एक दूसरे के ज्यादा पास पास आ जाएंगे। तो ये वाला फोर्थ वाले में भी पॉसिबल नहीं होगा कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़े। ओनली सेकेंड और थर्ड कंडीशन ऐसी है जिसमें ऐसा हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन थर्ड। When hydrogen gas leaks out of the container, the molecules of the gas remaining in the container have more free space and distance between the gas molecules increases. By increasing the volume of the container also increases the distance between the molecules. तो केवल दो ही कंडीशन बनी है कि या तो उस कंटेनर में से कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए जाएं, या फिर जो आपके पास कंटेनर है उसका ही आयतन बढ़ा दिया जाए। करेक्ट है ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द एमजी एटम। निम्नलिखित में से कौन सा एमजी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता हो जो एमजी है वो सिंबल होता है मैग्नीशियम का और उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जिसमें 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एटम का नाम और उसका सिंबल बताया गया है। तो आपको कम से कम ये 1 से 30 तक के लिए तो याद करना ही होगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमसे मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है, तो मैग्नीशियम सिंबल होता है मैग्नीशियम का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब हम जानते हैं कि इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस, कि किसी भी एटम में जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जो उसके चारों ओर शेल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं K शेल, L शेल, M शेल, इसी तरीके से आगे O शेल भी होते हैं। तो जो पहला शेल होता है उसे हम बोलते हैं K शेल, और दूसरा शेल होता है उसे हम बोलते हैं L शेल, तीसरे शेल को हम बोलते हैं M शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनका फॉर्मूला होता है 2n2। जो यहाँ पे जो n होता है वो शेल नंबर होता है। तो यदि हम पहले शेल में देखें यानी K शेल के लिए देखें, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2, मतलब पहला शेल यानी के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड शेल यानी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो जब 2n2 वाले फॉर्मूले में हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 8, यानी जो सेकंड शेल है एल शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। इसी तरीके से जब हम तीसरे वाले के लिए निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास आएगा, जब हम एन की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, यानी तीसरे शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि जो मैग्नीशियम परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। तो मैग्नीशियम परमाणु का एटॉमिक नंबर है 12, और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है, उदासीन एटम होता है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं।
तो पहले वाले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? मैक्सिमम दो आ सकते हैं, तो पहले के शेल में आ जाएगा दो। नेक्स्ट एल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 10 हम भरे गए हैं अभी तक, और अभी हमारे पास कितने बच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तो अभी जो एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बचे हुए 2 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 2A2, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्य जालिका से नहीं है? ऑप्शन 1, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। सेकंड है, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजंस इन साइटोप्लाज्म, यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। थर्ड है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एनर्जी जनरेशन की जो साइट होती है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, इट इज नॉट जनरेटेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमसे यहाँ पे नॉट रिलेटेड ही पूछा गया है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। फोर्थ भी हम देख लेते हैं, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यह कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ है, ये तीनों ही स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, बट लेकिन जो साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन 1, राइबोसोम। ऑप्शन 2, गोल्जी एपरेटस। ऑप्शन 3, क्लोरोप्लास्ट। एंड ऑप्शन 4, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं ये मोस्टली सॉलिड होते हैं स्ट्रक्चर में, और इनमें फ्लूइड नहीं होता, मतलब कोई द्रव्य या तरल पदार्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो राइबोसोम होता है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 m/s ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 m/s के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो कोई भी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 2 kg यानी 2 kg, और वो एक घर्षणहीन यानी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिसल रहा है। अब हमें चाहिए कि वो जिस वेग से फिसल रहा है यानी 4 m/s के वेग से फिसल रहा है, तो वो इसी गति को बनाए रखे, इसके लिए हमें कितना बल लगाना होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यानी उसका गति का जो प्रथम नियम है उसके बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस के रूल के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, वे भी क्वेश्चन सीरीज है और KVS PRT एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसके अनुसार जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल नहीं लगाते हैं, तब तक वो यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, और यदि वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहती है। तो जब तक आप उस पर भारी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब तक वो उसकी स्थिति में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर बोला गया है कि घर्षणहीन मेज है यानी फ्रिक्शन लेस है, तो उस पर घर्षण बल भी नहीं लग रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि यदि उस पर 4 m/s के वेग से यदि वो फिसल रही है, तो अभी भी उसकी गति 4 m/s की तभी बनी रहेगी जब उस पर कोई भी भारी बल नहीं लगा हो, यानी उस पर 0 फोर्स लगा हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। ऑप्शन 1, 0 degree। ऑप्शन 2, 45 degree। ऑप्शन 3, 90 degree। ऑप्शन 4, 180 degree। तो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है W = FD cos θ। यहाँ पे W है वर्क डन, F है फोर्स, D है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और थीटा है एंगल, जो कि बल और विस्थापन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे हमसे थीटा की वैल्यू ही पूछी गई है कि थीटा की वैल्यू ऐसी क्या हो कि जो हमारे पास वर्क डन है वो नेगेटिव आए। तो अभी हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हम थीटा की वैल्यू इसमें रखकर निकाल लेते हैं।
सबसे पहले जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो W इज इक्वल टू होगा एफ डी कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे ऑल ओवर W का मान क्या आएगा एफ डी, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसलिए W की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एफ डी अपॉन रूट टू, तो अभी भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। नेक्स्ट जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो W इज इक्वल टू होता है एफ डी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑल ओवर वैल्यू कितनी आती है 0, तो अभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू हमने 180 डिग्री रखी और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो अभी हमारे पास वर्क डन कितना आएगा W इज इक्वल टू -FD, तो अभी हमारे पास जो वर्क डन आया है वो नेगेटिव आया है। कब आया, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ ऑप्शन 4, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। व्हेन अ बॉडी इज बीइंग लिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सिंस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इज नेगेटिव। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है क्योंकि हम उसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो लगता है नीचे की तरफ, तो इस स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा क्या नेगेटिव। तो अभी यहाँ से हमने एंगल के लिए पूछा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो हमसे यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स determines how much the path of light is bent or refracted when passing from one medium into another. तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब उसका जो पाथ होता है लाइट का वो कितना नॉर्मल की तरफ झुक गया है, बेंट हो गया या फिर रिफ्रेक्ट हो गया है, ये निर्धारित किया जाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। जैसे यहाँ पे लाइट रे है वो मीडियम ए से मीडियम बी में प्रवेश कर रही है, तो यदि जब वो मीडियम ए में इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो वो इस दिशा में आगे ना बढ़ते हुए नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाती है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा, इसे जानने के लिए हमें स्नेल लॉ के बारे में पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द साइन्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ फेज वेलोसिटीज इन द टू मीडिया और इक्विवेलेंट टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ द इंडिसेस ऑफ रिफ्रेक्शन। मतलब स्नेल लॉ के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर होता है v1 अपॉन v2 और बराबर होता है n2 अपॉन n1, जहां पे जो थीटा 1 है वो होता है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल और थीटा 2 होता है अपवर्तन कोण। तो जैसे यहां पे मीडियम ए में ये वाली लाइट रे आपतित हो रही है तो इस वाली नॉर्मल लाइन के साथ जो यहाँ पे ये वाला कोण बनता है इसे हम बोलेंगे थीटा 1, और मीडियम बी में जो ये वाली दिशा में लाइट जा रही है ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है यानी ये वाला एंगल, इसे हम बोलेंगे थीटा 2। इसके अलावा जो v1 है ये वेलोसिटी होती है पहले वाले माध्यम में और v2 है वेलोसिटी दूसरे वाले माध्यम में, और n2 है दूसरे वाले माध्यम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और n1 है पहले वाले माध्यम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है एक लाइट रे है जो मीडियम ए से मीडियम बी में प्रवेश कर रही है। क्योंकि हमें इस वाले डायग्राम में दिख रहा है कि जो मीडियम ए वाली लाइट रे की दिशा है वो इसी दिशा में मीडियम बी में नहीं होती बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकी हुई होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम बी है वो मीडियम ए से ज्यादा डेंसर है। तो मीडियम बी डेंसर है, सघन माध्यम है, जबकि मीडियम ए विरल माध्यम है। तो जो डेंसर मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है, उसमें जो वेलोसिटी होती है वो विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। तो यदि इसमें वेलोसिटी मीडियम बी में v2 है और मीडियम ए में v1 है तो जो v1 की वैल्यू है वो हमेशा v2 से ज्यादा होगी।
तो अब चूंकि v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा है, तो हमेशा जो v1 अपॉन v2 का मान आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। यदि अब v1 अपॉन v2 की वैल्यू हमेशा v1 से ज्यादा होगी, तो n2 अपॉन n1 की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। इसके अलावा इसे हम इनके एंगल से भी निकाल सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे डायग्राम से पता चल रहा है कि जो थीटा 1 है, ये वाला एंगल है, वो हमेशा थीटा 2 से बड़ा होगा। इसलिए जो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की वैल्यू आएगी, वो भी हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो इसलिए n2 अपॉन n1 की वैल्यू भी हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। दिस कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स द रेड लाइट। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरों के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, ऑप्शन 1, इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन 2, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फोग, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, एंड ऑप्शन 3 है, इज एब्जॉर्ब्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, एंड 4th है, मूव्स फास्टर इन एयर, वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो इस प्रश्न के आंसर के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैटर्ड क्या होता है, स्कैटर्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द इंसिडेंट इन विच लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक डस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स एटसेट्रा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो, वो एक ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश की किरणें धूल से, गैस के अणुओं से, जल वाष्प आदि जैसी किसी भी बाधा से टकराकर अपने सीधे रास्ते से भटक जाती है। जैसे ये कोई एक व्हाइट लाइट है, तो ये जब भी किसी एटमोस्फेरिक पार्टिकल से टकराएगी तो ये इस तरीके से बिखर जाती है, इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेले स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, सो दैट शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट एंड ब्लू लाइट विल स्कैटर मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ येलो एंड रेड लाइट। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग इफेक्ट कम होगा, और वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जैसे ब्लू कलर है, वायलेट कलर है, इनकी वेवलेंथ कम होती है तो इनका जो स्कैटर इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे येलो कलर है, रेड कलर है, इन लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, तो इनका जो स्कैटरिंग इफेक्ट होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। The danger signals installed at the top of tall buildings are red in color so that they can be easily seen from a distance because among all colors, red color is scattered the least by smoke or fog. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेड कलर है, रेड लाइट वाली रेज होती है, इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसलिए इनका स्कैटरिंग इफेक्ट कम होता है, तो ये स्मोक और फोग यानी धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होगी। The wavelength of red has the longest wavelength, the amount of scattering becomes smaller. तो हमारा यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा? Option 2 is scattered the least by smoke or fog. और इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इसकी जो wavelength है वो ज्यादा होती है, तो correct है option 2. Next question है, choose the incorrect statement from the following regarding magnetic lines of field. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के लिए गलत है। फर्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है, ये वाला भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। If the magnetic field lines are parallel and equidistant in a region of space, then it means that the region has
होमोजीनियस फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब वहां पे जीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होता, वहां पे होमोजीनियस फील्ड स्ट्रेंथ होता है, दे रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत होगा, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ दिया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। ऑप्शन वन स्टमक आमाशय में, ऑप्शन टू माउथ कैविटी मुख गुहा में, ऑप्शन थ्री लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, एंड ऑप्शन फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में। द एलिमेंट्री ट्रैक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द माउथ फेरिंग्स इसोफेगस स्टमक स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस, तो ये सभी हमारे पाचन तंत्र के सहायक मार्ग हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होती है, ये हमारे आहार नाल के का वह हिस्सा है जहां पर जो हमारा भोजन है वो फाइनली डाइजेस्ट होता है। द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड द मिनरल्स ऑफ द फूड। तो जो ये छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि ये भोजन से पोषक तत्वों को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो हमारा माउथ होता है वहां से तो जो पाचन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, यहाँ पे पानी का अवशोषण होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, आहार नाल के इस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।